हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय टूल्स विला के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम कृषि, खाद एवं औद्योगिक क्षेत्र में नए नए मशीनों के वीडियोस लाते रहते हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोर्टेबल टाइप एयर कंप्रेशर्स। तो मशीनों से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर तीन तरह का मशीन रखा हुआ है एयर कंप्रेशर्स। पहला जो देख रहे हैं, ये आपका 24 लीटर का है, जो आपका 2 HP का है। और दूसरा जो दिख रहा है, ये आपका 10 लीटर का है, जो आपका 1 HP का है। और तीसरा जो देख रहे हैं, ये आपका 30 लीटर का है, जो कि 2 HP का आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इन तीनों मशीन के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका 24 और 30 लीटर का एयर कंप्रेशर देख रहा है, इसमें 10 से 15 मीटर का होस पाइप आप यूज़ कर सकते हैं। और बीच वाली जो आपको दिख रही है एयर कंप्रेशर, जो कि 10 लीटर की है, इसमें आप 6 से 10 मीटर का होस पाइप लगा सकते हैं। और इन तीनों में आपका 8 mm का डिलीवरी होस पाइप लगता है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जैसे आपको देख रहा है 24 लीटर का एयर कंप्रेशर है, जो कि सीट बॉडी है टोटल, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वाइट कलर का, ठीक है, ये आपका मोबाइल चेंबर है। इसके ऑपोजिट में आपका 2 HP का मोटर लगा हुआ है। ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं, ये आपका ऑटो कट है। मान लीजिए टैंक फुल हो गया, तो क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर उसमें कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है। और ये जो रेड कलर का देख रहे हैं, ये आपका स्विच है, जो कि ऑन ऑफ का स्विच है। ये अगर आपको इसको ऊपर खींचते हैं तो मशीन चालू हो जाती है, ये आप अगेन अगर प्रेस करते हैं तो ये मशीन बंद हो जाती है। ये जो आप 2 मीटर देख रहे हैं, इसको गेज मीटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चक्का है, ये आपका 2 चक्का यहाँ पर लगता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका एंटी वाइब्रेटिंग पैड है, जो कि यहाँ पर लगता है। अगर मान लीजिए काम करते वक्त ज़्यादा मशीन हिलती है, तो उसमें ये कंट्रोल करेगी। और ये जो आप देख रहे थे, ये आपका ड्रेन नट है। मान लीजिए मशीन चलते चलते क्या होता है, कभी कभी मशीन में नमी भर जाती है, तो उस नमी को कंट्रोल करने के लिए या उस नमी को बाहर निकालने के लिए ये काम आती है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको ये रेड कलर का दिख रहा होगा, ये आपका एयर कंट्रोलर है, ठीक है। और ये आपका बल्ब है 2, ठीक है। तो ये आप दोनों बल्ब से काम कर सकते हैं या रिलीज़ कर सकते हैं, पर हम रिकमेंड करेंगे कि आप एक ही बल्ब के साथ काम करें, ताकि आपको एयर ज़्यादा प्रेशर मिले। इसके जस्ट ऑपोजिट में ये एक सेफ्टी बल्ब है। मान लीजिए एक बल्ब में आपका एनी कारणवश कुछ प्रेशर कम हो गया या जाम हो गया, तो ये सेफ्टी बल्ब आपको काम करेगी, क्या ये जो टैंक है, ये टैंक आपको फटने से बचाएगी और एयर यहाँ से ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा। 10 लीटर का एयर कंप्रेशर का वर्किंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये मशीन कैसे काम करती है। साथ में हम ये भी बताएंगे कि आप इसमें होस पाइप और पेंट गन कैसे लगा सकते हैं। चाहिए, अभी इस मशीन के हम वर्किंग करके दिखाएंगे। मशीन को स्टार्ट करने से पहले हम इस फिल्टर को लगा लेंगे, जो कि हेड में धूला मट्टी ना जाए इसके लिए। और उसके बाद जो मोबाइल चेंबर है, यहाँ पे हम मोबाइल देंगे, जो कि बहुत ही कम मोबाइल लगता है इसमें, 100 से 150 ग्राम मोबाइल लगता है। और जो हम ये ढाकना खोले थे, ये सब समय आप ध्यान रखिएगा, जो कि ये फिल्टर दिया हुआ रहता है, फिल्टर को लगाना ज़रूरी होता है, जो कि चेंबर में यहाँ से हवा पास होता है। यदि आप इस ढक्कन को लगा कर रखेंगे तो चेंबर ब्लास्ट होने का डर रहता है, इसलिए ज़रूरी है फिल्टर लगा के ही चलाएं। तो अभी हमने मोबाइल जो डाला, तो यहाँ पे देखेंगे हमें किस तरह से मोबाइल चेक करना है। तो यहाँ पे लेवल दिया हुआ है, जो कि मिडिल में एक रेड कलर का मार्क है, उसका बीच बीच में हमें रखना है मोबाइल को। तो अभी हम पाइप, जो कि हमारा पाइप इसके ऊपर कनेक्ट होगा, पहले हमें इससे लगाना है। ये 1/4 का साइज है, जो कि अंदर थ्रेड है, इनसाइड थ्रेड बोलते हैं। इसे हम टाइट कर लेंगे यहाँ पर। अभी हम टाइट कर लिया इसको। और ये जो पाइप है, इस पाइप का थिकनेस है 8 mm, जो कि पहले हम पाइप को लगाने से पहले एक क्लैंप को लगा लेंगे, उसके बाद हम पाइप को लगाएंगे। अब इस क्लैंप को हम टाइट करेंगे, जैसे कि हम टाइट कर लिया है पूरा। और इस साइड में हमारा गन लगेगा, तो पहले हम गन को फिटिंग करेंगे। ये जो है पेंट का टैंक है, जो कि इसमें 200 ml पेंट आएगा, हम इसे टाइट कर लिया। और ये जो है यहाँ पे कनेक्ट होगा, जो कि इसका भी 1/4 साइज है, क्योंकि हमारा पाइप जहाँ पे लगेगा, इसे भी उसी तरह टाइट करना है जैसे हमने कंप्रेसर में टाइट किया। पहले क्लैंप डालेंगे, उसके बाद पाइप लगाएंगे।
तो अभी हम इसे टाइट कर लिया है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये चार चक्का और साइकिल बाइक में हवा देने के लिए है, जो कि आप यहीं ठीक ये पेंट गन खोल के आप यहाँ इसे अटैच कर सकते हैं। इधर से आप चार चक्का और दो चक्का में दे सकते हैं, और ये जो इधर से है ये साइकिल में देने के लिए है, तो ट्विन वन है। अब हम इसके अंदर पेंट डालेंगे, जो कि हमारे पास देखेंगे ग्रे कलर का पेंट है। वो पेंट के ऊपर निर्भर करता है, किसी पेंट में तारपीन तेल डालते हैं, किसी पेंट को ऐसे रॉ पेंट करते हैं। तो हमने अभी मेटल पेंट करेंगे, जो कि आपको हमारा सेल्फ भी है, हम आपको दिखाएंगे अभी जिसके ऊपर पेंट करेंगे। आइए अभी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम आपको दिखा दें हम किस मटेरियल के ऊपर पेंट करने वाले हैं। तो ये जैसे कि देख रहे हैं एक सेल्फ है, हम इसे अभी पेंट करेंगे। तो इससे पहले हमें मशीन को ऑन करना होगा, और ये जो देख रहे हैं ट्विन वन प्लग है, हम अभी इसे एक्सटेंशन बोर्ड में लगाएंगे। हमने ऑन किया, और ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ऑन ऑफ स्विच है, ऊपर टाने से ऑन होगा, हम अभी इसे ऑन करेंगे। चार चक्का और दो चक्का में दे सकते हैं, और ये जो इधर से है ये साइकिल में देने के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आइए हम इन तीनों मशीन के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। 24 लीटर का जो एयर कंप्रेसर है, इसका आपका प्राइस पड़ेगा 7,540। 10 लीटर का जो प्राइस है, इसका पड़ेगा आपका 6,490। और 30 लीटर का जो प्राइस है, उसका आपका पड़ेगा 7,960। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके साथ 3 मीटर का होस पाइप और एक पेंट गन चाहिए, तो 24 लीटर का आपका पड़ेगा 8,570, 10 लीटर का आपका पड़ेगा 6,990, और 30 लीटर का आपका पड़ेगा 8,990। हाँ तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही मशीनों से जुड़ी अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।